गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड अभिषेक इवनिंग सर। तबीयत कैसी आती है? गुड इवनिंग दीदी गुड इवनिंग सर। को। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। हमको इसमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। अभी तक इसमें हमारा जो यूपीपीएससी है उसमें जो सवाल आए हैं वो केवल आए हैं एकीकरण से संबंधित, ना, इंटीग्रेशन, कंसोलिडेशन से संबंधित। हमको इसमें बेसिकली लेकिन पढ़ना क्या क्या है, तो जैसा मैंने बताया बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें पहली चीज तो हम लोगों को पढ़नी है कि अच्छा, हमारे पास केवल 1965 तक का पीरियड सिलेबस यूपीएससी में बड़ा ज्यादा है, और लेकिन हमारे पास केवल 1965 तक का, तो बहुत ज्यादा हमको इसमें नहीं देखना है। तो ये कौन से पार्ट का है? ठीक GS1 Unit 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां, किन किन चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ा और उसके लिए उसने क्या क्या काम किया। दूसरा टॉपिक यहाँ पर हमको देखना है कि कंसोलिडेशन या इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, कंसोलिडेशन या इंटीग्रेशन एक डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन हम लोग बेसिकली जनरली लोग इसको समझते हैं केवल प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन, जबकि इसमें प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन के अलावा कुछ और चीजें भी कवर हुई। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमको यहाँ पर पढ़ना है वो है हमारा फॉरेन पॉलिसी, भारत की आजादी के बाद क्या फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी, और लैंड रिफॉर्म्स। ये मेजर चीजें हम लोगों को इसमें पढ़नी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लिमिटेड चीजें हैं, और थोड़ी बहुत बहुत एक आध तो चीजें और आएंगी वो हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हम सबको ये बात तो खैर पता ही है कि हमारा देश आजाद कब हुआ था। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और इसके लिए एक अधिनियम बना था। क्या नाम था उस अधिनियम का? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, और उसके प्रावधानों के अनुसार इसको भारत को आजाद किया गया। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देने वाली है, हम लोग सब ये जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ था तो अंग्रेज भारत को ऐसी स्थिति में छोड़ के गए थे जहां भारत के सामने सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और केवल इतना ही नहीं, भारत के टुकड़े करके गए थे और ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति बना के गए थे कि भारत कई सारे छोटे छोटे और टुकड़ों में विभाजित हो जाए। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थी भारत में, उन्होंने उनको आजाद होने का, इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन भी दे के रखा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जो उपनिवेशकालीन भारत था, जो जब आजाद हुआ उसमें अंग्रेज भारत की जो दुर्दशा करके गए थे उसमें क्या क्या परिस्थितियां उस समय मौजूद थी, ठीक। पहली चीज ये थी कि जब वो भारत से गए तो भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद करके गए, भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद करके दे, ठीक है। उन्होंने भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ब्रिटेन के ऊपर निर्भर बना दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपने हितों को साधते थे, ना तो ना कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करते थे। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि उन्होंने भारत में जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की, चाहे वो रेलवे को लाना हो, चाहे वो सड़कों पर नेटवर्क बिछाना हो, या और भी कोई चीज हो, उसके पीछे उनके अपने खुद के हित इन्वॉल्व थे, उनके खुद के इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। तो अगर वो कोई डेवलपमेंट करके भी गए तो वो केवल अपनी इकोनॉमी को, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए वो डेवलपमेंट करके गए, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी थी वो भारत की इकोनॉमी
पूरी तरीके से उन्होंने इंटीग्रेट कर दी थी वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ, और वो एक तरीके से सबसर्वियंट यानी कि अधीनस्थ हो गई थी, ब्रिटिश इकोनॉमी के अधीन हो गई थी, ठीक है। और 1750 आते आते तो उन्होंने भारत की इकोनॉमी को पूरी तरीके से ब्रिटिश इकोनॉमी की दासी बना के रख दिया था, ठीक। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी, उस ब्रिटिश इंडस्ट्री का तो इंप्रूवमेंट हुआ था, क्यों? क्योंकि भारत से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे और भारत के रॉ मटेरियल को अपने यहाँ प्रोसेस करने के बाद वो भारत को ही भेज देते थे और दुनिया के अलग अलग कोने में वो उसको एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये जो चीजें थी, ये चीजें भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा के गई थी। अगर हम भारत की फॉरेन ट्रेड को देखें जो उस समय था, तो हम तो ये समझ में आता है कि 1935-39 तक भारत का जो रॉम जो 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 एक्सपोर्ट था, उस एक्सपोर्ट का 68.5% जो था वो टोबैको, और जो रॉ मटेरियल था उस रॉ मटेरियल को कंस्टिट्यूट करता था, क्योंकि ये चीजें वो यहाँ से लेके अपने यहाँ लेके जाते थे, तो जो रॉ मटेरियल उसी का बेसिकली हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, जबकि जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं, जो बना बनाया माल होता है, जो तैयार माल होता है, उस माल का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से ना के बराबर भारत के यहाँ से था, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से वो भारत की इकोनॉमी को बहुत बुरी सिचुएशन में छोड़ के गए थे। और जब भारत आजाद होता है तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या इस रूप में सामने आती है, इस रूप में सामने आती है कि भारत जो है उसके सामने खाद्य पदार्थों की कमी है, खाद्य पदार्थों की कमी है, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उनकी कमी है, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रशासनिक जो ब्रेकडाउन हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो गया है, वो भी एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस के रूप में हमारे सामने आया है। टॉपिक हम लोग का है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आजादी के बाद का भारत, ठीक है। तो बहुत बड़ी सिचुएशन में था, और अगर देखा जाए तो हम अपनी जो प्रॉब्लम्स थी इंडिपेंडेंस के बाद की प्रॉब्लम, उनको तीन कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर सकते, प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। पहली वो प्रॉब्लम्स थी जिनको हम तात्कालिक समस्याएं कह सकते, दूसरी वो समस्याएं हैं जिनको हम मध्यकालिक समस्याएं कह सकते हैं, और तीसरी वो समस्याएं जिनको हम दीर्घकालिक या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स कह सकते। तात्कालिक वो समस्याएं थी जो उस समय हमारे देश के सामने मुंह बाए खड़ी थी, और इनका तुरंत तुरंत जो सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, ठीक। जो तात्कालिक समस्याएं थी उनमें अगर देखा जाए, लिस्टिंग करेगा, तो तात्कालिक समस्या हमारे सामने थी कि जो देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, देसी रियासतों का क्षेत्रीय व प्रशासनिक एकीकरण। हम लोग जानते हैं, पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि अंग्रेज जब भारत छोड़कर जाते हैं तो भारत का विभाजन कर जाते हैं, और जब वो भारत छोड़ के जाते हैं तो उस समय भारत में लगभग 565, कहीं कहीं 562 भी लिखा होता है, 565, लेकिन कुछ किताबों में 562 भी लिखा हुआ है, 565 प्रिंसली स्टेट थी, देसी रियासतें थी, और जब भारत का विभाजन हुआ तो इनमें से 552 रियासतें ऐसी थी जो भारत की सीमा में थी।
और बाकी जो थी वो पाकिस्तान की सीमा में चली गई थी, तो हमको उनसे मतलब नहीं। आजादी के पहले टोटल 565 रियासतें थी और आजादी के बाद 552 रियासतें भारत की सीमा में आ जाती हैं। लेकिन समस्या ये थी कि अंग्रेजों ने इंडियन जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो रियासतें हैं इनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि ये या तो भारत में समाहित हो जाए या पाकिस्तान में समाहित हो जाए, या फिर ये चाहे तो अपना इंडिपेंडेंस गेन कर सकती हैं, एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रह सकती। तो अगर ये स्वतंत्र रियासत के रूप में रहती तो ये 552 रियासतें, जिनमें से कुछ रियासतें ऐसी थी जो यूरोपियन कंट्रीज के आकार के बराबर थी, यानी कि ठीक ठाक लेवल की बड़ी थी, यूरोपीय देशों के आकार की कुछ रियासतें भी थी, तो अगर ये उस स्थिति में रहती और इंडिपेंडेंस गेन कर लेती तो भारत की जो एक ज्योग्राफिकल मैप होता वो आज किस दशा का होता, और वो भारत के अंदर रह के, भारत की सीमा के अंदर रह के भारत के सामने किस प्रकार की समस्याएं क्रिएट करती है, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। तो ये एक मूल समस्या थी कि इन रियासतों का क्षेत्रीय और प्रशासनिक एकीकरण किया जाए। ये पहली तात्कालिक समस्या थी हमारे देश के जो नेता हैं उनके सामने। दूसरी समस्या थी जब भारत आजाद हुआ और भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान और भारत में, तो भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे जो थे वो शुरू हो गए। तो इन सांप्रदायिक दंगों से निपटना, ये दूसरी बड़ी समस्या थी। तीसरी बड़ी समस्या थी कि पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का पुनर्वास कर। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास करना, अब इसमें भी बड़ी समस्या थी। पाकिस्तान भारत के दो तरफ बना था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान से आए लोगों का पुनर्वास आसान था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से आए लोगों का पुनर्वास मुश्किल था। और ये पुनर्वास की जो समस्या है बड़े लंबे समय तक चलती रही, वो मुश्किल क्यों था और क्यों लंबे समय तक चलता था, अभी कुछ देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक, तीसरी समस्या थी हमारे साथ ही एक नया देश उत्पन्न हुआ था पाकिस्तान, जिसका जन्म ही भारत के साथ शत्रुता के भाव के रूप में हुआ था, और वो आजाद होने के बाद भी भारत के साथ शत्रुता मानकर बैठा हुआ था और वो शत्रुता आज तक चल रही है। तो हम तो अभी ताजे ताजे बने हैं, तो हम ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे जिसकी परिणाम क्या हो, युद्ध हो। यानी कि पाकिस्तान से युद्ध को टालना, लेकिन वो टला नहीं, 1948 में घुस आया था पाकिस्तान कबायलियों के बीच। ठीक, इसके अलावा जब भारत आजाद हुआ तो जो कम्युनिस्ट थे, इन कम्युनिस्टों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इन्होंने ये कहा कि हम अभी आजाद ही नहीं हुए हैं, आजाद तो हम तब होंगे जब जो नई बनी सरकार है, नई बनी सरकार से हमको आजादी मिलेगी। उनका ये कहना था कि जो नई बनी सरकार है ये सरकार सामंतवादी ताकतों का और जो पूंजीवादी लोग हैं उनका ये रिप्रेजेंटेशन करती है, तो हमको इससे भी आजाद होना है। तो कम्युनिस्टों ने भी अपना विद्रोह छेड़ दिया था। तो इस कम्युनिस्टों के इस विद्रोह से निपटना, ये भी एक बड़ी समस्या उस समय के नेताओं के सामने जी थी, जो तत्कालिक समस्या थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देसी रियासतें जो एक समस्या क्रिएट कर रही थी, सांप्रदायिक दंगे देश भर में हो रहे थे, जो शरणार्थी हमारे देश में चले आए थे, लगभग 60 लाख शरणार्थी हमारे देश में आए थे। अगर वो 60 लाख शरणार्थी आए जो ऐसी परिस्थिति में थे, जो अपना सब कुछ खो कर आए हैं, जिनको अपनी जिंदगी यहाँ पर दोबारा से शुरू करनी है, जिनके पास ना खाने को कुछ है ना सर छुपाने की जगह है, तो ऐसा एक जेंट्री जब देश में घुसता है तो वो ये कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से उसकी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए, उसके खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से ईमानदारी से अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, वही बहुत से ऐसे होते हैं जो गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, चोरी चकारी डकैती वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी एक थ्रेट था, साथ साथ जो कम्युनिस्टों का विद्रोह था ये भी एक थ्रेट था। और इन सब थ्रेट के बीच में, इन सब समस्याओं के बीच में हमको अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना था, साथ ही साथ देश को एक ऐसी नींव प्रदान करनी थी जिससे कि एक लोकतांत्रिक
सरकार का गठन हो सके। तो ये हमारे देश के सामने उस समय की तात्कालिक समस्या। यहां तक सर कोई थोड़ा सा डाउट? ऊपर करिए सर, थोड़ा सा ऊपर करिए, नीचे का लिखा नहीं दिख रहा ये ऊपर नहीं होगा, मैं बोल देता हूँ। कहाँ तक नोट कर लिया आपने? सर। लॉ एंड ऑर्डर के नीचे क्या लिखा है? लॉ एंड ऑर्डर के नीचे है लोकतांत्रिक सरकार का गठन। क्लियर? कोई डाउट यहां तक किसी को? पवन जी? नहीं सर। इसको नोट कर लिया हो तो हम लोग आगे चलें। जो मध्यकालीन समस्याएं थी, मीडियम टर्म प्रॉब्लम थी, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक डाउट, हाँ बोलिए। जो देसी रियासतों का विलय की बात आई हाँ वो माउंटबेटन फर्स्ट प्लान में, सेकंड प्लान में तो ये कह दिया गया था कि कोई भी देसी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती है, हाँ बिल्कुल उसे सही या फिर बात है। भारत में विलय होना होगा या फिर पाकिस्तान में हाँ विलय होना। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल आपकी सही बात है। अलग अलग समय पर अलग अलग जो है वो इन लोगों के बयान आए। जैसे अगर हम लोग देखें तो क्लीमेंट एटली ने पहले अपना जो बयान दिया उसमें ये कहा कि भाई ये अपनी पैरामाउंटसी जो है वो उस सिचुएशन पर जा सकती है जैसा हमारे अधीन आने के ठीक पहले था। बाद में कहा कि भाई इनकी अपनी इच्छा है, चाहे जहां चले जाएं। और आखिरी में ये कहते हैं कि इनको एक चुनना होगा, या तो ये इंडिया में शामिल हो जाएं या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। ठीक है, लेकिन जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जो क्लॉज था 1947 में जो आया, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि इनके पास ये ऑप्शन है, तीन इनके पास ऑप्शन है, चाहे तो पाकिस्तान चले जाएं, चाहे पाकिस्तान में समाहित हो जाएं, चाहे भारत में समाहित हो जाएं, या इंडिपेंडेंस है। अभी हम लोग प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन को देखेंगे, तो इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हुए चले जी सर, टाइमलाइन के साथ। ठीक है, ठीक सर, जी। आगे बढ़े। हाँ यस जी सर। अगला है हमारे पास जो मध्यकालीन समस्याएं थी, जिनको तुरंत तो नहीं लेकिन हाँ हमको सुधारना चाहिए, सुधारना था, वो था हमारे पास अगली, ये मीडियम टर्म वाली है, एक संविधान का निर्माण। एक संविधान का निर्माण हमें करना है, ये एक समस्या हमारे सामने है। साथ ही साथ एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था खड़ी करना जिसमें जो अधिकार हो वो किसके पास हो? नागरिकों के पास जनता के पास हो, बिल्कुल सही, नागरिकों के पास। एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का गठन करना, एक ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक व्यवस्था का गठन करना। साथ ही साथ एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक उत्तरदायी सरकार, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिस्टम बना, और लास्ट में भूमि सुधार करके देश को जमींदारों और सामंती व्यवस्था से मुक्त करना। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, थर्ड है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिस्टम क्रिएट करना, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा तंत्र बनाना जिसके अंतर्गत एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्वात्मक सरकार, उत्तरदायी सरकार बनाई जा सके। दीर्घकालिक जो समस्याएं या दीर्घकालिक लक्ष्य बोल सकते हैं हम लोग, वो क्या थे हमारे पास? राष्ट्रीय
एकता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, देश के विकास को गति देना। तो बीमारू देश थे ना, ऐसी परिस्थिति में छोड़ के गए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे तो आप देखिएगा कि क्या परिस्थिति बना के हमारे देश की गए थे अभी। ठीक, तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, यानी कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। ठीक, गरीबी दूर करना, गरीबी दूर करना, योजनाबद्ध विकास। शुरुआत यानी कि प्लानिंग प्रोसेस को इनिशिएट करना। इसके अलावा एक बड़ी समस्या थी, एक बड़ी समस्या ये थी कि जब देश गुलाम था, हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया स्वतंत्रता संग्राम में, बढ़ चढ़ कर भाग लिया राष्ट्रीय आंदोलन में। जो भाग नहीं ले सके शरीर से, वो कम से कम मानसिक रूप से इस स्वतंत्रता संग्राम में, इस नेशनल मूवमेंट में शामिल। और उन सबके मन में ये इच्छा थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारत होगा वो हमारे सपनों का भारत होगा। अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारत होगा वो ऐसा भारत होगा जिसमें सब सुखी होंगे, कोई गरीब नहीं होगा, सबको बराबर का अधिकार, यानी कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस। और आप ये जानते हैं कि जब बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती है और उन हाई एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया जा सकता है जल्दी या एक लिमिटेड टाइम गैप में, तो लोगों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? डिसकंटेंट उत्पन्न हो जाता है, असंतोष उत्पन्न हो जाता है। और जब लोगों के अंदर यह असंतोष उत्पन्न हो जाता है तो उनका सरकार के ऊपर से भरोसा कम हो जाता है, सरकार के ऊपर से विश्वास कम हो जाता है। जब सरकार के ऊपर से विश्वास कम हो जाता है तो देश में क्या फैलने लगती है? अराजकता फैलने लगती है। तो यहाँ पर उस समय के जो लोग थे वो ये जानते थे कि हमारे देश की, अच्छा आप मान लीजिए आप उस समय जवाहरलाल नेहरू की इस पोजीशन पे होते, आप जवाहरलाल नेहरू की जगह होते और आपके सामने ये चीज क्लियर होती कि देश को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ये देखते कि हमारे हाथ में जो देश सौंपा गया है अंग्रेजों के द्वारा, वो एक ऐसा देश है जो खुद ही बहुत जर्जर अवस्था में है। तो एक तरफ तो पब्लिक आपसे एक्सपेक्टेशन कर रही कि अब तो हम आजाद हो गए हैं, अब तो हम खुश होने चाहिए, अब तो हमको सभी सुख मिलने चाहिए, अब तो हमारी सभी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, और वहीं आप एक प्रधानमंत्री के रूप में बेबस तरीके से देख रहे हैं कि हम तो अपने देश के लोगों को पेट भर खाना भी नहीं दे सकते, है ना? तो आप क्या क्या सोचते हैं अपने मन में, क्या परिस्थिति आपके सामने होती है? तो ये चीज भी उनके सामने थी और ये जानते थे कि अगर ये जो एक्सपेक्टेशन उनकी है, ये जो उम्मीद वो लगा के रखे हैं एक आजाद देश और उस आजाद देश की सरकार से, और जो हमारी स्थिति है कि हम इसको इतनी जल्दी फैसिलिटेट नहीं कर सकते, इससे बीच में गैप क्रिएट हो रहा है और ये गैप अराजकता उत्पन्न कर देगा, देश को और ज्यादा मुसीबत के गर्त में घुसेड़ देगा, गिरा देगा। ठीक है, तो उनके सामने एक ये भी था कि इस गैप को क्या करना है, भरना है, जिससे कि ये और जो विकट समस्या हमारे देश के अंदर आ सकती है, गृह युद्ध छिड़ सकता है या कोई भी डिस्कंटेंट और अराजक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, वो ना फैले। तो उनका जो अगला जो प्रॉब्लम था वो था कि एक ऐसा तरीका निकालना जिससे कि जो स्वतंत्रता के बाद जो नेशनल मूवमेंट से लोगों के अंदर एक आदर्श देश, एक एक आजाद देश का जो एक छवि गढ़ गई है, उनके अंदर बैठ गई है, और जो वास्तविक स्थिति है उसके बीच के इस गैप को क्या करना, उसको ढकना, उसको भरना, जिससे किसी भी प्रकार की देश में अराजकता ना फैल सके। ये पॉइंट क्लियर समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूं? जी सर, ठीक है ना, क्लियर? तो ये बड़ी विकट समस्या थी।
तो एक ये पॉइंट हमारा है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। दूसरी बात, अगर हम देखें तो हम एक ऐसी परिस्थिति में आजाद हुए थे जब एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या तुरंत एक दो साल पहले ही समाप्त हुई थी। उसका नाम था क्या? वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड टू। और इस वर्ल्ड वॉर टू ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो जिसका नेतृत्व रशिया कर रहा था, और एक वो जिसका नेतृत्व तो कौन कर रहा था? से यूएसए कर रहा था। यानी कि देश दो गुटों, सॉरी, दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, रशिया में और यूएसए। और रशिया और यूएसए के बीच में शुरू हो चुकी थी कोल्ड ओल्ड वॉर वॉर, शीत युद्ध शुरू हो चुका था रशिया और यूएसए के बीच में। और ऐसे में दुनिया के सभी देश या तो रशिया के पक्ष में जा रहे थे या यूएसए के पक्ष में जा रहे थे। तो हमारे देश के लोगों, जो नेता थे, उनके सामने एक ये भी चुनौती थी कि हम एक ऐसी विदेश नीति बनाएं, एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाएं जिससे हम अपने हित तो सुरक्षित कर सकें, साथ ही साथ जो वैश्विक शांति है, वर्ल्ड पीस है, उसको भी प्रमोट करें बिना इस शीत युद्ध में किसी गुट का भाग बने बिना। ठीक है, तो जो अगली चुनौती थी वो क्या थी? एक ऐसी विदेश नीति बनाना या एक ऐसी विदेश नीति का फॉलो को फॉलो करना जिससे हमारे हित भी सुरक्षित रहे, वैश्विक शांति का भी प्रमोशन हो, और हम इस शीत युद्ध के काल में किसी एक गुट का हिस्सा बने रहने से भी बचे रहे। और यहीं से निकल के आती है एक हमारी कौन सी पॉलिसी? गुट निरपेक्ष नीति, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे जब हम विदेश नीति भारत की पढ़ेंगे आजादी के बाद, जो टॉपिक हम लोगों ने देखा उसमें ये देखा। ठीक है, तो ये एक ऐसी विदेश नीति बनाना भी हमारा एक प्रॉब्लम थी या हमारा एक लक्ष्य था। इसके बाद अगर देखें तो कुछ और हमारे सामने बड़ी समस्याएं भी थी, कुछ हमारे सामने मेजर प्रॉब्लम्स और सर उठा के खड़ी हुई थी। उन मेजर प्रॉब्लम्स, यानी कि इन्हीं में से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स, ये जितनी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी, इनमें से कुछ ऐसी समस्याएं थी जो बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिनमें से हमारे पास कौन सी है? जो शरणार्थी की समस्या थी, शरणार्थियों की समस्या, और सांप्रदायिक दंगी। ठीक, अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि मेन प्रॉब्लम्स बताइए, तो फिर आप ये इनको नोट डाउन कर सकते हैं, शरणार्थियों की समस्या और सांप्रदायिक दंगे, ये हमारे पास उस समय की मुख्य समस्या थी। साथ ही साथ भारत की स्थिरता और सुरक्षा, ये भी हमारी एक मुख्य समस्या थी। 1947 में नेहरू ने आजादी के समय साफ साफ ये कहा था कि हमारा जो सबसे मुख्य काम है और जो सबसे पहला काम है वो है देश को स्थिर और सुरक्षित बनाना, देश को स्थिरता और देश को सुरक्षा प्रदान करना हमारा सबसे मुख्य काम है, सबसे पहला। ठीक है, इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कानून व्यवस्था की बहाली, पुनर्स्थापना, ठीक, जो सांप्रदायिक नरसंहार हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, देश का विभाजन हुआ, शरणार्थियों का इतना भारत के अंदर आगमन हुआ, और उसमें कानून व्यवस्था की बहाली करना। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारा सबसे बड़ी समस्या है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने केवल समस्याएं ही समस्याएं थी, कुछ हमारे पास पॉजिटिव चीजें भी थी, कुछ हमारे पास ऐसी चीजें भी थी जो चीजें आशा की किरण बन के हमारे सामने खड़ी हुई। जैसे अगर देखा जाए तो इनमें दो तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उस समय, ऐसी मुसीबतों के समय, ऐसी समस्याओं के समय भी हमारे देश के जो लीडर हैं उनके सामने एक आशा की किरण बन के खड़ी हुई।
जिनमें सबसे पहली चीज थी कि हम अभी अभी आजाद हुए थे, और आजाद हुए थे यानी कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो अभी, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था वो अभी अपने लक्ष्य पर पहुंच गया था। और उस नेशनल मूवमेंट में देश के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था, एक कॉमन उद्देश्य के लिए पार्टिसिपेट किया था। इससे क्या था, उस समय देश में भले ही कितनी ही विविधता दिखाई दे रही हो, कितना ही डिस्कंटेंट दिखाई दे रहा हो, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो सभी को अपने अंदर बांधे हुए थी। वो भले ही बहुत लंबे समय तक ना रहने वाली हो, लेकिन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो चीज उस समय मौजूद थी, और वो देश के नेशनल मूवमेंट में सबके एक साथ भागीदारी करने की वजह से एक सूत्र में उनको बांध कर बैठी। तो ये एक चीज थी कि हाँ, देश में एकता का एक भाव है। अलग अलग लोग, जो अलग अलग कोने के लोग हैं, वो अभी भी एक दूसरे को अपना साथी समझ रहे हैं, अपना भाई समझ रहे हैं, अपना देशवासी समझ रहे हैं। दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि हमारे देश के जो नेता थे वो हाईली चार्ज्ड थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय के बाद अपना जो संघर्ष था, उस संघर्ष का फल पाया था, और वो ये मान रहे थे कि भाई अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। और वो पूरी तरीके से कमिट थे उस समय कि वो देश को एक सोशल और इकोनॉमिकल चेंज लेके आएंगे देश के अंदर, और देश को फिर से तरक्की के रास्तों पर लेकर आगे बढ़ेंगे। देश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट वो कर लेंगे, साथ ही साथ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो गोल्स वो सेट करेंगे, उन गोल्स को आज नहीं तो कल वो पा लेंगे, ऐसा वो मानते थे। क्योंकि वो, उनका मनोबल क्या था, मनोबल उनका ऊंचा था, क्योंकि वो 207 सालों की गुलामी से जब भारत को आजाद करवा सकते हैं, तो उनका यह मानना था कि ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं भी हम दूर कर लेंगे, भले ही समय लगेगा, लेकिन ये समस्याओं को हम, इनसे हम पार पा लेंगे। इसके अलावा एक चीज और जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी, वो चीज ये थी कि नेताओं के ऊपर लोगों का भरोसा था। जो भी लोगों के हाथ में उस समय देश की बागडोर थी, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, बाबू जगजीवन राम हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, या दूसरे जो नेता हैं जिनके हाथ में देश की बागडोर है, उनके ऊपर लोगों का विश्वास था। उस समय वो ये नहीं सोचते थे कि ये जो नेता है ये नेता भ्रष्ट भी हो सकते हैं। उस समय ये नहीं सोचते थे लोग कि ये जो नेता है ये नेता झूठ भी बोल सकते हैं, या ये अपना घर भी भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो नेता थे जो देश को गुलामी के चंगुल से निकाल कर बाहर लाए थे, और इस वजह से जनता के मन में उनकी जो छवि बनी थी, उनकी जो इमेज बनी हुई थी, वो ऐसी नहीं थी जैसी आजकल के नेताओं की छवि हमारे देश के लोगों के सामने है, या दुनिया के दूसरे नेताओं की छवि जिस तरीके की उनके लोगों के सामने है। क्योंकि ये लोग अपने आप को प्रूव कर चुके थे कि देखो, हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो लोग इन पर भरोसा करते थे, इन पर विश्वास करते थे, और ये जो भरोसा और विश्वास लोगों का इन नेताओं के ऊपर था, उसी वजह से इन नेताओं को एक और अंदरूनी शक्ति मिल रही थी कि हाँ, हम ये कर पाएंगे, देश को इस गर्त से निकालकर हमें विकसित या विकासशील देश के रूप में स्थापित कर सके। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? ठीक। जी जी अब ये सब जब चल रहा है तो हमारे देश का हो जाता है, अब आ जाते हैं विभाजन। तो जो 14-15 अगस्त 1947 की रात, ये रात हमारे देश के विभाजन की रात है, और इस रात को दो देश अस्तित्व में आते हैं, जिनमें से एक देश का नाम है पाकिस्तान और दूसरे देश का नाम है इंडिया। दूसरे देश का नाम है इंडिया, और ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का जो गठन होता है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत होता है। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया किसने? जिन्ना ने। और मुस्लिम लीग ने, ठीक है, जिनका यह कहना था कि भारत में दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते।
लेकिन हम आज देख रहे हैं कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में उससे कहीं ज्यादा मुसलमान अकेले भारत में हैं। और वो छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, ठीक है, राजनीतिक चीजें होती रहती हैं, और जब थोड़ा बहुत अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे तो थोड़ा बहुत क्लैश तो होगा ही होगा, घर में भाइयों के बीच में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें तो पाकिस्तान, जो कि केवल एक मुस्लिम राष्ट्र है, उससे कई गुना ज्यादा शांति से, उससे कई गुना ज्यादा सद्भाव से भारत में हम सब मिलके रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली द्विराष्ट्र थ्योरी पर, टू नेशन थ्योरी पर इसका गठन हुआ था। अब भारत का जब गठन हुआ, या हम बोले कि इनका जो विभाजन हुआ, तो समस्या ये सामने आती है कि इनका बाउंड्री का डिमार्केशन कैसे किया। सर, ये द्विराज सिद्धांत में जिन्ना, उसके बाद दूसरा नाम क्या बोले हैं इसको? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, बाउंड्री बाउंड्री डिमार्केशन, यानी कि जो सीमा का निर्धारण है वो कैसे किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो भारत का विभाजन केवल एक तरफ से नहीं हुआ था, भारत का विभाजन दो तरीके तरफ से हुआ था। मैं रफली ये बनाए दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। एक विभाजन तो यहाँ से हुआ, ये है हमारा वेस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पर हमारा यहाँ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक। तो समस्या ये आई कि पाकिस्तान और भारत के बीच में विभाजन रेखा को कैसे बनाया जाए, कौन से हिस्से पाकिस्तान को दिए जाए और कौन से हिस्से भारत को दिए जाए। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे जो गवर्नर जनरल थे उस समय, या बोले वाइस राय थे हमारे उस समय, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। तो लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान था, उसके बाद आमंत्रित किया जाता है रैडक्लिफ, पूरा नाम बताइए, डेनियल रैडक्लिफ। हाँ, अरे बताएं, डेनियल रैडक्लिफ। नहीं आता तो बताइए कि नहीं पता, आगे बढ़े हम लोग। नहीं सर, याद नहीं आ रहा। किसी को नहीं पता क्या सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। रैडक्लिफ का पूरा नाम? डेनियल सर नहीं पता। रैडक्लिफ तो नहीं है? सिरिल रैडक्लिफ। डेनियल रैडक्लिफ तो हैरी पॉटर है ना, सिरिल रैडक्लिफ ये न्यायविद थे, ज्यूरिस्ट थे, और इनको ये जिम्मा दिया जाता है कि इस समस्या का जो निवारण है वो आपको करना है, और आपको यहाँ पर दो सीमाएं बनानी है। दो सीमाएं क्यों बनानी है? पहली सीमा और दूसरी सीमा, है ना, एक वेस्ट पाकिस्तान के बीच के लिए सीमा, और दूसरी कौन सी, ईस्ट पाकिस्तान के लिए सीमा आपको बनानी है। और यहाँ पर ये बनाया गया, और ये बाउंड्री कहाँ पर किसने थी, दो सीमाएं, एक पंजाब की तरफ बनेगी और एक दूसरी सीमा बनेगी कहाँ पर, बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान की। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लिए इनके साथ चार और दूसरे मेंबर इस आयोग में होते हैं, जिसका नाम हम आज रेडक्लिफ कमीशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ कमीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये समस्या आने लगी कि भाई आखिरकार उनके सामने भी ये समस्या है कि किस तरीके से ये लाइन खींची जाए। तो ये कहा गया, अच्छा समस्या है, वो अलग अलग राय दे रहे थे, और वहां पर किसी राय पर कांग्रेस सहमत नहीं होती है, तो किसी राय पर हमारा जो मुस्लिम लीग है वो सहमत नहीं होती है। और इसी उठापटक में जो सिरिल रेडक्लिफ है वो एक विचार देते हैं, और ये विचार देते हैं कि वो फॉलो करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, यानी कि धार्मिक
बहुलता का सिद्धांत फॉलो करें, और इस धार्मिक बहुलता का सिद्धांत फॉलो करते हुए उन्होंने 17 अगस्त 1947 को अपनी जो कमीशन था उसका जो निर्णय है वो वहां पर दिया, और एक बाउंड्री लाइन वहां पर उन्होंने डिमार्केट करी भारत और पाकिस्तान के बीच में। हम बोले तो भारत और वेस्ट पाकिस्तान और भारत और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में, और इस धार्मिक बहुलता के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कहा कि जहां जहां मुस्लिम बहुमत में है, बहुसंख्यक है, वो सारे इलाके पाकिस्तान में डाल दिए जाएं, और जहां मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं है वो हिस्से इन दोनों जगहों पर यानी कि वेस्ट और ईस्ट में वो हिंदुस्तान में रहने दिए जाएं। ठीक, क्लियर। तो इस प्रकार धार्मिक बहुलता या प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी के अंतर्गत मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान को दे दिए जाएं और हिंदू जो बाकी इलाके हैं वो हिंदुस्तान में रहने दिए जाएं, और इस तरीके से दो देशों का गठन हो गया जिसमें से एक देश बीच में है और उसके दोनों पूर्वी और पश्चिमी छोरों पर एक नया देश अस्तित्व में आ गया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये भी एक विचार आया था कि इन दोनों को जोड़ने के लिए, देखिए अगर वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाना है तो कहाँ से जाना पड़ेगा, समुद्र से जाना पड़ेगा या भारत के एयर रास्ते से जाना पड़ेगा। तो ये भी हुआ कि इनके बीच में एक सीमा रेखा, एक सड़क यहाँ पर कॉरिडोर दे दिया जाए। तो भाई ये कॉरिडोर दे देते तो भारत भी दो हिस्सों में बंट जाता, तो इसका बड़ा विरोध हुआ, और अल्टीमेटली ये कॉरिडोर देने वाली बात जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, उसको फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन भारत का विभाजन यहाँ पर हो जाता है, और इस विभाजन के साथ ही शुरू होता है माइग्रेशन का सिलसिला। इस विभाजन के साथ ही शुरू होता है माइग्रेशन का सिलसिला। सर इसकी तारीख क्या थी? 17 अगस्त 1947, ठीक है। इसी के साथ शुरू होता है माइग्रेशन का सिलसिला भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, और शुरू हो जाते हैं इसी माइग्रेशन के साथ शुरू हो जाते हैं सांप्रदायिक, हम इसको दंगे नहीं बोलेंगे, जो बेहतर शब्द है वो है नरसंहार। सांप्रदायिक नरसंहार शुरू हो जाते हैं, और ये अनुमान है, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, वास्तविक आंकड़ा तो कुछ और हो सकता है, और इससे कई गुना ज्यादा ही होगा कि लगभग 5 लाख लोगों की हत्या की, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलाकर, ठीक है। 5 लाख लोगों की हत्या का, 5 लाख लोगों के मारे जाने का सरकारी रिकॉर्ड है, अनऑफिशियली तो ये और ज्यादा होगा। अरबों और खरबों रुपए की संपत्ति को जला डाला गया, नष्ट कर डाला गया, ठीक है। जो सामाजिक ताना बाना है जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं, उसका तो कहीं नामो निशान नहीं रह गया। भारत का सामाजिक ताना बाना बुरी तरीके से हिल गया, गृहयुद्ध जैसी स्थिति हम मान सकते हैं कि हो गई, ठीक है। तो इतना बड़े लेवल पर कम्युनल जो नरसंहार, सांप्रदायिक नरसंहार हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग जो है वो इस समय पंगु, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस समय इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि हम इसको तुरंत क्या कर लें, इसको तुरंत दबा दें समस्या को, ठीक है। हाँ, समय के साथ धीमे धीमे जैसे लोगों के हाथ में चीजें आती गई, वैसे वैसे ये समस्या धीमे धीमे कम होती गई, कम्युनल जो राइट्स हैं वो कम होते गए, खत्म नहीं हुए, काफी स्तर पर कम हो गए। जो उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक मैसिव कैंपेन चलाया, एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जिसमें वो जगह जगह जाकर भाषण देते थे, जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करते थे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, अलग अलग राज्यों के नेताओं को पत्र लिखते थे, और उनसे कहते थे कि अपने अपने इलाके में इन परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें। तो नेहरू ने एक कैंपेन चलाया इसको संभालने के लिए, जवाहरलाल नेहरू ने ये कैंपेन चलाया, रेडियो से वो संदेश देते थे, जगह जगह रैलियां करते थे, सभाएं करते थे, उसमें लोगों को इस तरीके की गतिविधियों से बचने की बात वो करते थे, और शांति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे, ठीक है। इसी बीच एक बहुत बड़ा झटका भारत को लगता है, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को क्या होता है, 30 जनवरी 1948 को
गांधी जी की हत्या। गांधी जी की तबाही आपकी। गांधी जी मर्डर, गांधी जी की हत्या हो जाती है। गांधी जी की हत्या कहां पर हुई थी? सर दिल्ली में, दिल्ली का राजघाट में, दिल्ली दिल्ली में कहां पर? राजघाट, सर बिरला टेम्पल, बिरला राजघाट में कौन सी टेम्पल समाधि है? बिरला सर, टेम्पल नहीं है, बिरला बिरला टेम्पल, टेम्पल नहीं, बिरला हाउस। बिरला उनका घर था, बिरला जो उद्योगपति थे उनका घर था, उनके घर पे ही वो रह रहे थे, तो बिरला हाउस में उनकी हत्या होती है जब वो, बाकी चीज तो आप सब जानते ही हैं, प्रवचन देने जा रहे थे और वहां पर उनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये जब गांधी जी की हत्या होती है, तो एक बात हम ये जान ले कि गांधी जी, हम लोग आज भले ही कुछ भी बोले, लोग भले ही कुछ भी बोले, लेकिन गांधी जी की जो प्रासंगिकता है, गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, गांधी जी की जो एक इम्पोर्टेंस है, उससे कोई भी उसको नकार नहीं सकता। और आज भी पूरी दुनिया में शांति के लिए जिसका नाम लिया जाता है, आदर्श के लिए उसका नाम लिया जाता है, उसमें गांधी जी एक प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, तो इनकी मौत से एक बड़ा झटका लगता है देश को भी और उन लोगों को भी जो सांप्रदायिक दंगों में लिप्त होते हैं, उनका भी जमीर झकझोरता है। और गांधी जी की मौत के बाद जो सांप्रदायिक दंगे हैं उनमें एक बड़ी कमी आ जाती है, खत्म नहीं होते लेकिन बहुत ज्यादा उनके अंदर उनमें कमी आ जाती है, बहुत ज्यादा वो कम हो जाते हैं। ठीक है, जो देश के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ गई थी, वो सांप्रदायिकता कमजोर हो जाती है, खत्म नहीं होती, खत्म तो आज भी नहीं हुई है, लेकिन उसमें कमी आ जाती है। सांप्रदायिकता का जो भाव लोगों के अंदर घर कर गया था, वो सांप्रदायिकता के भाव में कमी आती है और उसका सीधा असर होता है, देश में शांति स्थापित होने लगती है। छुटपुट घटनाएं तो अभी भी हो रही है, लेकिन शांति स्थापित होते लगती है। ठीक है, और जो उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, वो सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि सांप्रदायिकता को हम खुला मैदान नहीं दे सकते, अगर हम सांप्रदायिकता को छूट दे देंगे, उसको अनचेक्ड रखेंगे, उस पर रोक नहीं लगाएंगे, तो ये हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर देगी। ठीक, जयपुर में कांग्रेस का सेशन जो हुआ था दिसंबर 1948 के जयपुर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारा उद्देश्य भारत को एक सांप्रदायिक नहीं बल्कि पूरी तरीके से एक सेकुलर स्टेट बनाना है, पूरी तरीके से एक सेकुलर स्टेट बनाना है। ये उन्होंने अपने भाषण में कहा था जब जयपुर सेशन में कांग्रेस के, जो दिसंबर 1948 में हुआ था। ठीक, तो ये सब चीजें हो रही है, सांप्रदायिक दंगे तो लिमिट में आ गए। सांप्रदायिक दंगे के कम होने में दो चीजों का योगदान रहा। पहला योगदान किसका? जवाहरलाल नेहरू ने जो कैंपेन चलाया पूरे देश में घूम घूम कर, पत्र लिख लिख कर, भाषण दे देकर, रेडियो में अपने संदेश प्रसारित कर करके, और गांधी जी की हत्या, इन दोनों ने सांप्रदायिकता को और सांप्रदायिक दंगे को सीमित कर दिया, लिमिट कर दिया। लेकिन एक दूसरी समस्या हमारे सामने मुंह बाके अब खड़ी हो गई थी, वो समस्या ये थी कि अचानक से देश में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। और इन शरणार्थियों का जो पुनर्वास है वो एक बड़ी समस्या देश के सामने थी, क्योंकि मैंने बताया कि जब बाहर से लोग आएंगे तो बाहर से आने वाले लोग, और क्योंकि इस समय जो लोग आ रहे हैं वो सब कुछ अपना बर्बाद करके आ रहे हैं, उन लोगों को इतना मौका भी नहीं मिला कि वो अपना सामान समेट सकें, अपनी संपत्ति समेट सकें, और जिसको मौका मिला भी हो सकता है उसके रास्ते में छीन ली गई हो, है ना। लोगों को तो भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने के रास्ते में ही मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो उनसे भी छीन लिया जाता है और वो बिल्कुल विपन्नता की स्थिति में भारत आते हैं। ठीक, इस स्थिति में आते हैं कि अब उनको अपना जीवन, अपनी दुनिया, सब कुछ नए सिरे से शुरू करनी है। यहाँ पर भारत में मनाया जाता है रिहेबिलिटेशन कमीशन। और एक डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति की जाती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिहैबिलिटेशन, उसको नाम पता है इनका?
सर इसके आगे क्या लिखा था, रिहेबिलिटेशन के आगे कमीशन। रिहैबिलिटेशन कमीशन, और एक कमीशन डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति की जाती है, महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है, शरणार्थियों के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए डीजी की नियुक्ति की जाती है, जिनका नाम होता है सरदार तरलोक सिंह, तरलोक सिंह। आईसीएस ऑफिसर होते हैं जिसको हम आज आईएएस के नाम से जानते हैं, सरदार तरलोक सिंह डीजी रिहैबिलिटेशन बनाए जाते हैं, और इस तरीके से भारत में रिहैबिलिटेशन का जो काम है वो शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो तुरंत रातों रात नहीं हो सकती, ठीक, और सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध थी, कमिटेड थी कि इन जो शरणार्थी आ रहे हैं इनका रिहैबिलिटेशन करना है, इनका रिसेटलमेंट करना है, और जो शरणार्थी आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनकी जो संख्या थी वो लगभग 60 लाख थी। 60 लाख सर? ये शरणार्थी का डीजी का नाम बोल दीजिए सर एक बार। सरदार तरलोक सिंह, सरदार तरलोक सिंह, ठीक है। तो लगभग 60 लाख शरणार्थी भारत आते हैं, और जैसा मैंने बताया ये वो शरणार्थी हैं जो अपना सब कुछ लुटा के आए हैं, ना उनके पास अब घर है, तो भले ही अपनी मूल स्थान पर कितने ही शक्ति संपन्न रहे हों, कितने ही अमीर रहे हों, कितने ही बड़े व्यवसायी रहे हों, लेकिन जब वहां से भागे हैं तो ना उनका व्यवसाय रहा, ना उनकी नौकरी रही, ना उनका घर रहा। कई हजारों लोग तो ऐसे थे जो जो कपड़े पहने थे बस वही उनके पास थे और कुछ भी उनके पास नहीं। तो ये सिचुएशन थी। ये पुनर्वास कमीशन कहलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके के लोग यहाँ पर थे। अब यहाँ पर सरकार इस आयोग के माध्यम से, डीजी रिहैबिलिटेशन और बाकी जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से पुनर्वास का काम शुरू करती है। 1951 आते आते वेस्ट पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की समस्याओं का समाधान कर लिया जाता है, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की समस्या एक समस्या बनी रहती है, और ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। लगभग 1971 1971 तक ये भारत के सामने एक समस्या के रूप में थी, और इसका समाधान पूरी तरीके से नहीं हो पाया, ठीक है। क्यों नहीं हो पाया था? कि कई सारे कारण। पहला कारण तो ये है कि जो ईस्ट पाकिस्तान से आप ज्योग्राफिकली समझ रहे हैं ना हम किधर की बात हम लोग कर रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा बांग्लादेश आज का जो बांग्लादेश, ठीक है, यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान, ये तो पूरा बंगाल था, उसका तो विभाजन हुआ, तो जो इधर वाला हिस्सा हो गया वो ईस्ट पाकिस्तान हो गया, और जो भारत में रह गया उसको हम क्या, ईस्ट सॉरी हाँ, और जो भारत में रह गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल बोलते हैं, तो ईस्ट बंगाल वाला हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये समस्या इसलिए हुई क्यों, वेस्ट पाकिस्तान से तो जिनको माइग्रेट होके आना था वो तो तुरंत माइग्रेट होके आ गए, साल 6 महीने के अंदर वेस्ट पाकिस्तान से जिन जिनको भारत आना था वो सब भारत आ गए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की गति बहुत धीमी रही, बहुत धीमी गति से वो भारत आते हैं, और बहुत हाँ जी सर ईस्ट जो बंगाल साइड है वो है ना, ईस्ट हाँ ईस्ट बिल्कुल ऑफ बिल्कुल पाकिस्तान वही वही जो आज बांग्लादेश है, ठीक है। ठीक, तो बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे जो सिख हैं वो तुरंत वहां से मूव नहीं करते हैं और लंबे समय तक वहां पर बने रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि ईस्ट पाकिस्तान में शांति थी, ईस्ट पाकिस्तान में भी बहुत सारे कम्युनल वायलेंसेज होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हिंदुओं और सिखों को वहां पर ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके आने की गति धीमी होती है। दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि वेस्ट पाकिस्तान से आने वाले लोग या तो हिंदी भाषी थे या उर्दू भाषी थे, तो उनको
किसी भी जगह बसाया जा सकता था। उनको पंजाब में बसाया जा सकता था, उनको राजस्थान में बसाया जा सकता था, उनको यूपी में बसाया जा सकता था, उनको हिमाचल प्रदेश में बसा सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर में बसा सकते थे। यानी कि उनके बसने के लिए बहुत सारी जगहें बची थी, वो किसी भी हिंदी भाषी प्रदेश में जाके वो रह सकते थे, और सरकार ने उनको वहां पर बसाया। और जो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्तियों को, उनकी जमीनों को उन्हें अलॉट। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वो बंगाली, वो केवल बंगाली भाषा बोलते थे, उनको कोई और भाषा ना तो समझ में आ पा रही थी अधिकतर लोगों को, और ना ही वो बोल पा रहे। तो उनके सामने ये समस्या थी, और उनका जो इंसिस्टेंस था वो भी यही था कि उनको केवल और केवल कहाँ पर बसाया जाए, बंगाल में बसाया जाए। तो उनको बसाने की समस्या भी थी कि वो या तो बंगाल में बसाया जाएंगे, या थोड़े बहुत अगर दाएं बाएं हो सकेंगे तो उड़ीसा और त्रिपुरा वगैरह में उनको बसाया जा सकता है, जहाँ के लोग बंगाली को थोड़ा बहुत समझते हैं, वहां पर उनको बसाया जा सकता है। तो ये दूसरी बड़ी समस्या थी जिनमें जिसने इनके रिहेबिलिटेशन को थोड़ा सा कठिन बनाया। ठीक है, क्लियर। तो ये एक समस्या थी जिसने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के रिहेबिलिटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करी। और वेस्ट पाकिस्तान के लोग, क्योंकि वहां पर बहुत सारी जगह थी और यहाँ से बहुत सारे लोग छोड़कर भी पाकिस्तान गए थे, इंडिया से छोड़कर भी पाकिस्तान गए थे, तो यहाँ पर जमीनें भी बहुत सारी छूटी हुई थी उनकी, और उन जमीनों को बांट दिया गया वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोगों को। तो बहुत से लोगों को जमीनें मिल गई, जिससे कि उनकी रोजी रोटी चलने लगी, और जिनको जमीनें नहीं मिली वो बहुत थोड़े से लोग थे, मतलब थोड़ा प्रपोर्शन था कंपेरेटिवली। तो उन्होंने उनको सरकार ने मदद करी, तो उन्होंने अपना जो काम धाम था, बिजनेस वगैरह था, दुकान वगैरह थी, वो सब खोलना शुरू किया, और उससे उनकी आजीविका चली। लेकिन यहाँ से जो लोग ईस्ट पाकिस्तान से आ रहे थे, ये अब इनको देने के लिए जमीनें भी बंगाल से ही देनी है, आसाम और त्रिपुरा से ही देनी है, तो जमीनों की बड़ी कमी है और संख्या इनकी बहुत ज्यादा है। तो ये जब अपने इंडिया आते हैं माइग्रेट करके, तो इनके इंडिया आने से जिस एरिया में वो बस रहे हैं, वो चाहे बंगाल हो या आसाम और त्रिपुरा का वो वाला इलाका जहां पर इनको बसाया गया, वहां पर एक गरीबी लेके आए, क्योंकि इन्होंने वहां के बसे लोगों की संपत्तियों में जो है वो हिस्सा बटाना शुरू किया। तो इससे बंगाल में भी एक विपन्नता का दौर शुरू हो जाता है। इस वेस्टर्न पार्ट में तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बंगाल का इलाका है, वहां पर इस पार्टीशन की वजह से जो लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं, उन्होंने एक नई समस्या उत्पन्न कर दी, जिसको हम लोग आज बोलते हैं बंगाल की विपन्नता की प्रक्रिया। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बंगाल की विपन्नता की प्रक्रिया, जो किस वजह से हुई, वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट होके आने वाले लोगों की वजह से। और ये क्यों हुई, इसका कारण वही है, क्योंकि इनको तो बंगाल में ही बसना है, इनको कहीं और बसाया नहीं जा सकता, तो संसाधन भी वहीं से देने होंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। ठीक, तो एक तो चीज हम लोगों ने देखी कि जो कम्युनल राइट शुरू हो गए थे वो, और दूसरा हम लोगों ने देखा, क्या देखा, जो शरणार्थी समस्या। यहां तक कोई डाउट? और ये सब किसके परिणाम है, भारत के विभाजन के परिणाम। ठीक है, तो अगर ये भी आ जाता है कि भारत के विभाजन के परिणामों पर चर्चा करिए, तो ये सब आप उसमें लिखेंगे। और क्या हुआ, यहाँ पर सांप्रदायिकता बढ़ी, वो तो हम लोग को पता ही है, साथ ही साथ हमें कुछ आर्थिक समस्याएं भी आई। आर्थिक समस्याएं क्या आई कि विभाजन के बाद, या विभाजन के बाद में, विभाजन से जो संसाधन है, ये भारत और पाकिस्तान में बांटे जाएंगे, लेकिन इन संसाधनों का असमान वितरण हुआ।
संसाधनों का असमान वितरण। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के हिस्से में जो जमीन आई और पाकिस्तान के हिस्से में जो आबादी आई उसका प्रपोर्शन अलग था, और भारत के हिस्से में जो जमीन आई और भारत के हिस्से में जो आबादी आई उसका प्रपोर्शन अलग। पाकिस्तान के हिस्से में जमीन ज्यादा आई, आबादी कंपेरेटिवली कम आई, जबकि भारत के हिस्से में जमीन आबादी के मुकाबले क्या आई, कम आई। यानी कि जो पॉपुलेशन और जो लैंड का प्रपोर्शन पाकिस्तान की तरफ था वो ज्यादा फेवरेबल था पाकिस्तान के लिए, जबकि भारत में जो आबादी है उसके मुकाबले अगर लैंड को कंपेयर किया जाए जो पाकिस्तान के पास थी उसमें कमी थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, जनसंख्या घनत्व भारत का क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक, और भारत को जो अधिक जनसंख्या और कम भूमि की समस्या का सामना करना पड़ा। ठीक, दूसरी जो समस्या आई वो आई कि शरणार्थियों के आने से, जो वेल्थ है वेल्थ पर भी प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपना सब कुछ वहां छोड़ के आ गए और आने के बाद इनको भारत के संसाधनों से दिया जा रहा है, तो भारत के संसाधनों पर जो भारत में रह रहे हैं उनके साथ साथ उसी संसाधन से इन जो 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 हमारे पास ये शरणार्थी आए हैं जो माइग्रेट करके भारत में आए हैं इनको भी उसी में हिस्सा देना पड़ा। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि जो भारत छोड़ के गए हैं उनकी भी जमीनें थीं, लेकिन उसके अलावा भी भारत की दूसरी वेल्थ से भी इनको वहां पर कंपनसेट करना पड़ा, जिससे भारत की जो वेल्थ है भारत की जो संपत्ति थी उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, तीसरी जो बड़ी समस्या है वो ये, अगर हम, बस एक सेकंड रुकिएगा, अगर हम देखें तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा था इस पूर्वी हिस्से में जूट जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप, जूट इंडस्ट्री डेवलप, लेकिन ये जूट इंडस्ट्री के दो हिस्से थे। एक हिस्सा वो था जहां पर जूट का कल्टीवेशन होता था और दूसरा हिस्सा था जहां पर जूट इंडस्ट्रीज। जूट इंडस्ट्रीज का जो कंसंट्रेशन था वो था वेस्ट बंगाल, और जूट कल्टीवेशन जो होता था वो होता था ईस्टर्न साइड। और जब ये विभाजन हुआ, जब ये विभाजन हुआ तो जो जूट उत्पादक एरियाज थे जहां पर जूट का कल्टीवेशन होता था वो चला गया कहां पर, ईस्ट पाकिस्तान, जबकि जो जूट इंडस्ट्री थी वो कहां पर रह गई, भारत में रह गई। तो इससे क्या हुआ, भारत के जो जूट उद्योग है इस पर पड़ा विपरीत प्रभाव, भारत के जूट उद्योग पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तो जूट उत्पादक जो एरियाज थे उनका अधिकांश एरिया चला जाता है ईस्ट पाकिस्तान में, जबकि तो जूट इंडस्ट्रीज का जो 90% सेगमेंट था वो रह जाता है कहाँ पर, इंडिया में, वेस्ट बंगाल। ये पॉइंट क्लियर? सर फिर से बता दीजिए सर, वहाँ क्या है जूट इंडस्ट्री? आप बताइए, आप आपने क्या सुना, मैंने क्या बोला अभी? सर देखिए, जो इंडिया में पहले जूट इंडस्ट्री और जो कल्टीवेशन होता था, तो अब हाँ विभाजन मतलब के बाद जूट कल्टीवेशन ईस्टर्न पाकिस्तान चला गया था, और जो जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया में थी, इसलिए क्या नाम उसकी है, क्या नाम, तो अब उन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना? यस क्योंकि सर, जूट जहां पर उगाया जाता है, जूट का जहां पर उत्पादन होता है वो तो चला गया दूसरे देश में, और जूट जूट से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी वो रह गई भारत में।
तो अब भारत की जो जूट इंडस्ट्री, जब उसको कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस पर जो है वो इन्वर्स जो इंपैक्ट होगा वो आएगा कि नहीं आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट इस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना? तो जूट इंडस्ट्रीज को बड़ा धक्का लगा भारत में इस विभाजन की वजह से। ठीक है शशि भूषण जी। ठीक, यस सर इसके अलावा अब देखिए, शरणार्थी जब भारत आए तो वेल्थ पर तो इम्पैक्ट पड़ा ही, क्योंकि वेल्थ पर उन्होंने शेयर किया, साथ ही साथ भारत सरकार को बड़ा खर्चा भी करना पड़ा, यानी कि भारत के ऊपर रिहैबिलिटेशन कॉस्ट्स का एक बड़ा बर्डन आया, क्योंकि शरणार्थी आ रहे हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन कैंप बनाए गए, उन रिहैबिलिटेशन कैंप में उनके रहने का इंतजाम किया गया, जब तक उनका कोई इंतजाम नहीं होता है खाने पीने का तब तक सरकार की तरफ से उनको खाना दिया गया, उनके इलाज की व्यवस्था करी गई, और जो भी चीजें हो सकती थी पढ़ाई लिखाई की और जो भी मूल आवश्यकताएं, उन मूल आवश्यकताओं को वहां पर पूरा किया गया। और यह रिहैबिलिटेशन कैंप केवल 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं, बल्कि कई कई इलाकों में तो सालों तक चलते रहे और सालों तक सरकार को इनका खर्चा उठाना पड़ा। तो ये भी एक इकोनॉमिक बर्डन इंडिया के ऊपर आया इस पार्टीशन की वजह से। तो पार्टीशन की वजह से भारत पर पड़ने वाला पहला प्रभाव कम्युनल वायलेंसेस, दूसरा प्रभाव जो हम लोगों ने देखा कि जो माइग्रेशन की समस्या हुई वो, और तीसरा जो हमारे पास जो आर्थिक समस्या हमारे सामने आर्थिक प्रभाव पड़ा उसका, वो हम लोगों ने देखा। ठीक, तीसरी चीज हमारे लिए एक नया दुश्मन पैदा हो गया। ठीक है, हमारे लिए एक नया दुश्मन पैदा हो गया जो आज भी अलग अलग तरीकों से हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी कि इमर्जेंस ऑफ एन एनिमीज। ये भी प्रभाव पड़ा भारत के विभाजन का, किसके रूप में? पाकिस्तान के रूप में। ठीक, और जो ये पूरा एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान के उदय ने इसके पूरी जो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है, इसकी पूरी जो राजनीतिक सिचुएशन है, इस पूरी इकोनॉमिक एक स्ट्रैटेजिक और राजनीतिक सिचुएशन को बदल कर रख दिया और भारत के लिए एक स्थायी एनिमी वहां पर पैदा करके रख दिया। ठीक, और साथ ही साथ कश्मीर का मुद्दा, यहां पर पैदा होता है और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हॉट टॉक बना है आज भी। ठीक है, तो ये एक समस्या, एक और प्रभाव यहाँ पर हमारे सामने आया। तो ये पार्टीशन के प्रभाव हमारे सामने होते हैं। अब इसका यहां तक कोई डाउट तो नहीं आपके मन में, तो अगले पॉइंट पे चलें। सर ये सब ये आर्थिक समस्या है, और इससे पहले जो कम्युनल राइट्स और वायलेंसेस और हिंदी भाषी वो और जमीन का अलॉटमेंट, ये सब किसके अंडर आएगा रीजंस? ये तो वही माइग्रेशन प्रॉब्लम में था ना, रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम। ठीक है, चलें आगे। अभिषेक जी, कुसुम जी, सर अब अगली समस्या मैंने क्या बताई थी? अगली समस्या ये थी कि जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने भी भारत में क्या कर दिया था, विद्रोह की घोषणा कर दी। तो कम्युनिस्टों की वजह से आने वाली चुनौतियां, कम्युनिस्टों की वजह से आने वाली चुनौती, जब भारत आजाद होता है, देखिए इन्होंने बहुत बड़ी समस्या बना के रखी काफी लंबे समय तक भारत। आज भी हम लोग देखते हैं कि कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कम्युनिस्टों की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई वो आज भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसमें नक्सलवाद एक तो बड़ी समस्या है जो कम्युनिस्ट आंदोलन से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो जब भारत आजाद होता है तो भारत के आजाद होने के बाद कम्युनिस्ट जो लोग थे वहां पर, जो कम्युनिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने एक नया शगुफा छेड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि देश अभी आजाद नहीं हुआ, अभी तो अंग्रेज गए हैं,
भारत को आजादी थोड़ी ना मिली है, भारत को तो आजाद होना अभी बाकी है, ठीक, अभी तो हमको लिबरेशन मिलना बाकी है, अभी हम लिबरेट नहीं हुए हैं। उस समय की जो मेजर कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, ठीक है। सीपीआई ने कहा कि भारत की आजादी की बात ये कर रहे हैं, लेकिन अब जो समय आया है वो आया है क्रांति का, अब जो समय आ गया है वो आ गया है जनरल रिवॉल्यूशन का। इनका अपना अलग ही चल रहा है, जनरल रिवॉल्यूशन का, भारत में क्रांति छेड़ी जाएगी, ठीक है। ये कब कहा उसने, इस क्रांति की घोषणा कर दी सीपीआई ने, और एक घोषणा करी 1948, ठीक। सीपीआई कहती है कि नेहरू के नेतृत्व में भारत में जो सरकार बनी है ये सरकार साम्राज्यवादियों की कठपुतली, साम्राज्यवादियों की कठपुतली है, ठीक है, ये सरकार सामंतवादी है, तो हमको इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, बस ये रिवॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, ठीक है, हमको इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, और हम जब तक शक्ति अपने हाथ में नहीं ले लेंगे तब तक हम भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं, ठीक। तो उन्होंने एक तरीके से क्रांति की घोषणा करी, अपने हाथ में जब तक शक्ति उनके पास नहीं आ जाती तब तक वो भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं, ठीक। इसी बीच कलकत्ता में कम्युनिस्ट पार्टी की सेकंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है 1948, 1948 में सेकंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, और यहाँ पर ये लोग बनाते हैं अपना फ्यूचर प्लान, और इस फ्यूचर प्लान में ये डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि भारत के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए युद्ध छेड़ा जाए। कम्युनिस्टों की आदत क्या होती है, इन्हें खुद तो कुछ करना नहीं होता, इनका इनका ध्येय वाक्य क्या होता है कि सब कुछ बराबर हो, और ये क्या कहते हैं कि जिसके पास नहीं है वो छीन ले उस आदमी से जिसके पास है, कमा नहीं ले, क्या कर ले, छीन ले। अब माओ ने क्या कहा था, माओ ने कहा था कि जो ताकत है वो बंदूक की नाल से निकलती, याद है आप लोगों को, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, वही इनकी मानसिकता यहाँ पर थी। और इससे अब भारत के बहुत से लोग कम्युनिस्ट के पार्टी के अनुयायी थे, तो अब वो लोग जब ये यहाँ पर ये घोषणा करते हैं, वार की घोषणा करते हैं, तो अब देश में अलग अलग जगहों पर होने लगती है हड़ताल, काम बंद कर देते हैं, हड़ताल होने लगती है, फैक्ट्रीज में हड़ताल हो जाती है, गांवों में असंतोष फैलने लगता है, पुलिस और आर्मी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो सदस्य होते हैं वो क्या कर देते हैं, पुलिस में विद्रोह कर देते हैं, आर्मी में विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गुरिल्ला वार छेड़ देते हैं, ठीक, बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या अति करी है देश, गुरिल्ला वार करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से ये लोग अराजकता फैला देते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक बात खास थी कि ये जो है वो पूरे देश में इनका प्रभाव नहीं था, कुछ खास खास इलाकों में इनका प्रभाव था, और उन खास खास इलाकों में इनके ये जो वायलेंट एक्टिविटीज थी, इनके जो हिंसात्मक कार्रवाई थी, ये उन्हीं स्टेट में ज्यादा हो रही थी जिनमें हमारे पास शामिल है कौन कौन सी, वेस्ट बंगाल। सर गुरीला वार क्या होता है सर? गुरिल्ला वाल, मारो और भाग जाओ, असम, बिहार,
हैदराबाद, मणिपुर, ये सेंटर थी। और इन जगहों पर ये सारी जो एक्टिविटीज थी वो ज्यादा हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर इनका प्रभाव क्या था, बहुत ज्यादा था। और सबसे ज्यादा जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया था, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, वो था तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट नहीं, तेलंगाना जो रीजन था वहां का, उस समय तो हैदराबाद स्टेट थी, हैदराबाद का जो तेलंगाना रीजन था वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव ये इनका पड़ा। और इन्होंने हटा दो इसको, जी इन्होंने कई सारे मूवमेंट को, हिंसात्मक मूवमेंट्स को बढ़ावा दिया। खुद तो किया ही किया, दूसरे हिंसात्मक मूवमेंट को बढ़ावा दिया, जिससे कि भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से कुछ समस्याएं तो समय के साथ खत्म हो गई, लेकिन कुछ आज भी बनी हुई हैं। जैसे माओवादी पटियाला में मुजारा मूवमेंट क्या था, हम लोग आगे इसको देखेंगे। पटियाला में मुजारा मूवमेंट, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जी नक्सलबाड़ी, नक्सलबाड़ी एक गांव है ना, और उसी गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा नक्सल आंदोलन। शुरुआत किसने की थी, किसी को पता है किसका किसने शुरू की थी? आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को आ रही आवाज, बाकी लोगों को? ठीक, जी सर, आवाज नहीं लगी। हाँ बताइए, किसने शुरुआत की थी नक्सलवादी आंदोलन? दो लोग थे, पता होना चाहिए आप लोगों को नाम, चारू मजूमदार। कनु सान्या, ये जनक है भारत में नक्सलवादी आंदोलन। गरीबी में जीते हुए मजदूर आंदोलन से आगे बढ़ते हुए इन्होंने भारत में एक ऐसी चीज को जन्म दे दिया जो आज भी भारत के लिए एक समस्या बनी हुई है। और इसको सपोर्ट किया किसने? कम्युनिस्टों ने सपोर्ट किया। ये खुद भी कम्युनिस्ट थे और उसी मानसिकता के साथ ये आंदोलन शुरू किया। ठीक, जल जमीन जंगल हमारा है, तो उनको इसमें हिस्सा चाहिए। क्या सरकार के भी कुछ इसमें वो था, कमियां थी, आज भी कमियां हैं, इनको ये मुख्य धारा पर लेके नहीं आ पा रहे। कनु सान्याल, कनु सान्याल, चारू मजूमदार और कनु सान्याल। हम लोग जब आगे चल के इन सब इंसर्जेंसी को पढ़ेंगे तो वहां पर इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जब आतंकवाद वगैरह को पढ़ेंगे तो नक्सलवाद वगैरह को भी वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब इनके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग कि चारू मजूमदार और कनु सान्याल क्या चीज। ठीक, सर, ये जो बता रहे हैं नक्सल नाम का जो विलेज था, हाँ ये वेस्ट बंगाल में ही था? हाँ ओके सर। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का नक्सलबारी आंदोलन, ये सब आंदोलन इनके द्वारा शुरू किए गए, इनके सपोर्ट से शुरू किए गए, और इस वजह से, और ये इनमें से नक्सलवाद तो आज भी हमारे सामने मौजूद है। ठीक, और इन्होंने पूरी कोशिश करी कि भारत में एक अराजकता की स्थिति पैदा की जा सके, एक इंडस्ट्रियल अनरेस्ट पैदा किया जा सके, क्योंकि मजदूरों में और कामगारों में इनकी पैठ ज्यादा थी, तो इन्होंने भारत की आर्थिक जो रीढ़ है उस पर चोट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये हड़ताल वगैरह भी होती थी। तो ये एक समस्या के रूप में कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी, जिसको कम्युनिस्ट विद्रोह का नाम दिया जाता है, कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी का नाम दिया जाता है, ठीक है, ये भारत के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आया। और इसका सामना किया हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू खुद को साम्यवादी बोलते थे, लेकिन वो ये वाला जो साम्यवाद है ना, ये वाला जो कम्युनिज्म है ना, इस कम्युनिज्म के वो घोर विरोधी थे कि ये तो कोई किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल
है ही नहीं, जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और इन नक्सलवादियों से, नक्सलवादी ना बोले, इन कम्युनिस्टों से, इन विद्रोही कम्युनिस्टों से, इन्होंने देश के विरुद्ध एक क्रांति की घोषणा करी थी, देश के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने की घोषणा की थी, इनसे मुक्ति पाने के लिए, इन पर लगाम लगाने के लिए एक कानून बना। उस कानून का नाम था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। और इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंतर्गत कम्युनिस्ट नेताओं को, कम्युनिस्ट लीडर्स को पकड़ पकड़ कर जेल में भरा जाने, जब लीडर ही जेल में इसे चला जाए। हिंदी बोलिए। में, हिंदी में क्या कहेंगे सर? रोकथाम किसकी? निवारक हिरासत एक तरीके से अधिनियम है, ये निवारक हिरासत अधिनियम। प्रिवेंटिव मतलब निवारक, रिटेंशन मतलब हिरासत। सर क्यों भरते थे जेल में? मतलब क्या गलती होती थी उनकी? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या गलती उन लोगों की थी, जैसे हम लोग शक्तिभूषण से क्या सर पढ़ रहे हैं। सर कॉल आ गया था सर, इसलिए थोड़ा छूट गया था एक कॉल, मिनट। फोन को क्लास के समय फोन को कॉल से अलग रखा करिए ना। तो देखिए बहुत लोगों का डिस्टर्बेंस हो जाता है। अभी मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूंगा तो आप सर उसमें देख लीजिएगा सारा कुछ होगा, क्योंकि फिर पूरा उतना बताना दोबारा से पॉसिबल नहीं है। ठीक ठीक है है। फिर, सॉरी सर, हाँ सॉरी जी सर। ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 ये लेके आया, और इस एक्ट के अंतर्गत इन लोगों को भर भर के जेल में डाला जाने लगा। इससे क्या हुआ, इससे जो आंदोलन है इनका वो थोड़ा कमजोर पड़ा। अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते तो जवाहरलाल नेहरू सीपीआई पर बैन लगा सकते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सीपीआई पर बैन नहीं लगाया। वो ये चाह कह रहे थे, उनका कहना ये था कि जब तक इनके विरुद्ध वायलेंट एक्टिविटीज का, हिंसात्मक गतिविधियों का सॉलिड प्रूफ, सफिशियंट प्रूफ नहीं होगा, तब तक हम इनके ऊपर बैन नहीं लगा सकते। समस्या ये थी कि ये सीपीआई जो पार्टी थी, ये खुद डायरेक्टली वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती थी, बल्कि लोगों को उकसाती थी, और उसके उकसावे में आके जो लोग थे वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे थे। तो इसके डायरेक्टली, इसके खिलाफ कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था कि ये इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये वायलेंट एक्टिविटीज में खुद इन्वॉल्व है, तो इसलिए बैन नहीं लगा पा रहे थे, और वो इसके खिलाफ एक प्रॉपर सफिशियंट सबूतों के इंतजार में बैठे हुए थे। लेकिन कुछ इलाकों में उन्होंने इस पर बैन लगाया, जैसे इन्होंने उस पर बैन कहाँ पर लगाया, वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर। इसके अलावा मद्रास, जहां पर ये बहुत ज्यादा एक्टिव थी, ये इतनी एक्टिव थी कि यहाँ पर ये खुद भी कहीं कहीं वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गई थी, तो यहाँ पर इनके खिलाफ सबूत मिल गया, और वेस्ट बंगाल और मद्रास में इसके ऊपर बैन लगा दिया जवाहरलाल ने। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जैसा मैंने भी कुछ देर पहले बताया, जवाहरलाल नेहरू खुद को, अपने आप को भी साम्यवादी बोलते थे, और जो कम्युनिज्म है, इस कम्युनिज्म के बेस में भी एक तरीके से साम्यवाद ही तो है। तो यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल इनके थे और जवाहरलाल नेहरू के थे, वो दोनों लगभग एक जैसे थे, लेकिन फिर भी दोनों की एक्टिविटीज में, दोनों के कामकाज के तरीके में, दोनों के प्रोसेसेस में जमीन आसमान का अंतर था। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ये मानते थे कि इस तरीके की इनकी जो पॉलिटिक्स चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, और इनकी जो वायलेंट एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही है, इस पूरी वायलेंट एक्टिविटीज का जो सार है, वो इनके द्वारा ये अफवाह फैलाना है कि देश में दो धड़े हैं, एक जो बहुत अमीर है और दूसरे जो गरीब है, इसलिए गरीबों को भड़का कर या अमीरों से उनकी चीजों को छीनने का सपना दिखाकर उनको बरगलाते थे। तो जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि इस समस्या का अगर कोई परमानेंट समाधान है तो वो ये है कि देश में रिफॉर्म्स लाए जाएं, देश में सुधार लाए जाएं, और अमीर और गरीब के बीच की ये जो गैप है, ये जो दूरी है, उसको कम करने का प्रयास किया जाए। और हम देखते हैं कि भारत का जो शुरुआती समय है, जो प्लानिंग पीरियड है, जो इकोनॉमी में हम लोगों ने पढ़ा है, वहां पर हम लोगों ने देखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने जी तोड़ कोशिश करी है कि किसी तरीके से भारत की ये जो गैप है, इस गैप को दूर किया जाए। उसके लिए भले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का सहारा लेना पड़े, उसके लिए भले ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए बांध बनवाने हो या फैक्ट्रियों को बनवाना हो, इस सब का उन्होंने ध्यान रखा और पूरी कोशिश करी।
ये गैप कम हो। ठीक, समय के साथ जब यहां पर दबाव पड़ने लगा कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू ने उनके नेताओं को जेल में डालना बंद किया, तो कुछ समय के बाद कम्युनिस्ट पार्टी भी न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल इन द सेंस कि वो अपना विरोध तो जारी रखती है, अपनी जो उसकी आइडियोलॉजी है वो तो बनाए रखती है, लेकिन जो सशस्त्र संघर्ष है, यानी कि जो आर्म्ड जो उसकी स्ट्रगल है, इसको ये छोड़ देती है। यानी कि हथियारों के दम पर काम नहीं करेंगे, वायलेंट एक्टिविटीज से अब ये तौबा कर देती है। और जब कम्युनिस्ट पार्टी वायलेंट एक्टिविटीज से तौबा कर देती है, वायलेंट एक्टिविटीज को समाप्त कर देती है, हथियारों के बल पर चीजों को पाने के सपने दिखाना और पाना कम बंद कर देती है, तो जवाहरलाल नेहरू भी इससे बैन हटा लेते हैं, जहां जहां बैन लगाया था, और इसको क्या कर देते हैं, लीगलाइज कर देते हैं, इसको वैधानिक दर्जा दे देते हैं। और हम जानते हैं कि बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरती है, और देश के एक बड़े हिस्से में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लंबे समय तक शासन करती है। वेस्ट बंगाल में हम देखें तो ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले तक वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ही शासन था, और ज्योति बसु लॉन्ग सर्विंग इस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। हम अगर देखें तो साउथ इंडिया में, केरला वगैरह में बहुत लंबे समय तक, आज से कुछ साल पहले तक, कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन। ठीक है, तो ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जो यहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन छोड़ छेड़ती है इंडिया के खिलाफ, लेकिन बाद में उसको लीगलाइज कर दिया जाता है जब वो इस प्रकार के हिंसात्मक गतिविधियों को खत्म करने की बात करती है, छोड़ देने की बात करती है। क्लियर? ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को? हाँ जी, सर सामंतवाद मतलब क्या होता है? सामंतवाद कोई बताएगा? अभिषेक जी बताइए, सामंतवाद क्या होता है? उसका इंग्लिश क्या होगा सर? फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म, ठीक। सर हाँ जी बोलिए, बताइए अभिषेक जी। सर साम्यवाद नहीं, साम्यवाद नहीं साम्यवाद अभिषेक जी, साम्यवाद नहीं, सामंतवाद। सामंतवाद सर सामंतवाद एक तरह से राजशाही का ही उत्तराधिकारी है ये मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता जिसमें केवल और केवल अधिकार है, कर्तव्यों की कोई भावना नहीं है। प्लस उत्पीड़न है जनता का, हाँ है ना, जी सर, है जनता ना। के पास उत्पीड़न ही है केवल। हाँ, जी तो जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना, पुराने जमाने की फिल्में जहां पर ठाकुरों को जमींदार दिखाया जाता था और दुनिया भर की बुराइयां उनके अंदर दिखाई जाती, है ना, विलेन बनाया जाता था ठाकुरों को, तो उन ठाकुरों का आप सामंत समझ सकते हैं, और उनके जो जो एक्टिविटीज की जा रही है उसको सामंतवाद कह सकते सामंती व्यवस्था से ही हैं। सामंतवाद सामंती सभ्यता व्यवस्था से हो गया। सामंतवाद बना, बिल्कुल सही, सामंती व्यवस्था से सामंतवाद बना, जहां पर एक पर्टिकुलर इलाके में राजाओं के द्वारा कुछ लोगों को कुछ शक्ति और अधिकार दे दिए जाते थे, और उन शक्ति और अधिकारों को परफॉर्म करने के चक्कर में वो लोगों का उत्पीड़न करते थे, और उन शक्तियों को इस्तेमाल करके अपना फायदा करते थे, ये सामंतवाद। यस ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं? ये क्या थी? ये वो समस्याएं थी जो हमारे सामने थी आजादी के समय। ठीक है, इतना हम लोग आज रखते हैं।